बिजनेस एसोसिएट्स के लिए हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि शेयर समाधान किसी भी तरह के निवेश के पैसे निकाल के देने में सक्षम है, जहां पे निवेशक या उसके पेरेंट्स और अगर किसी की डेथ अगर हो गई हो तो उनके परिवार वाले उन पैसों को निकलवाने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर परिवार में से किसी की डेथ अगर हो गई हो तो जो निवेशक के परिवार के जो लोग हैं, उनके फैमिली के जो लोग हैं, उनकी पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। उनका नाम, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट, पैन नंबर और उनका एड्रेसेस किस सिटी में रहते हैं, वो पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। और अगर विल है या नहीं है ये पूछ लेना चाहिए, विल है तो प्रोबेट हुआ है या नहीं हुआ है, और डेथ सर्टिफिकेट, ताकि हमें पता चले कि किस सिटी के अंदर में डेथ हुई थी, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जब मिलता है तो उसी के बेसिस के ऊपर में ज्यूरिडिक्शन एस्टैब्लिश होता है कि उनका सक्सेस सर्टिफिकेट या विल कहां पे प्रोबेट करवानी पड़ेगी। और उसके बाद में ये प्रश्न पूछ लें कि क्या सारे परिवार वाले एक आदमी के नाम से ट्रांसफर कराना चाहते हैं या दो आदमी के नाम से, मैक्सिमम तीन आदमी के नाम से नॉमिनेशन किया जा सकता है। बाद में अपने परिवार वाले उन पैसों को लिक्विडेट करके अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। और हमें कुछ और ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइंट को इंप्रेस करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं। एक तो सबसे पहले आप जब कभी भी किसी से मिले तो अपना मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि इट कॉस्ट नथिंग, इट बाइज एवरीथिंग, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइंट को हम ये कंफर्ट दें कि आप सही जगह पे पहुंच चुके हैं और आप बेशक शेयर समाधान के बारे में पता करें, इंटरनेट पे जाएं, उसका रिव्यू करें। और अगर किसी क्लाइंट को, अगर हमारे कोई क्लाइंट के रेफरेंस की जरूरत है तो हम उस क्लाइंट का रेफरेंस भी दे सकते हैं, ताकि उनको तसल्ली आ जाए। नेक्स्ट बात, हमें कभी कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए कि सर हम तो 15 दिन में करा देंगे, 2 महीने में करा देंगे, 3 महीने में करा देंगे, नहीं, क्योंकि ये कानूनी कार्यवाही है, एक प्रोसीजर है। कई जगह पे प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना हमारे हाथ में होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्डेंट है, जो कंपनीज है, आरटीए है, सेबी है या एनसीएलटी है या कोर्ट है, वो हमारे बस में नहीं होते हैं। तो उस कारण से कई कई बार आपका काम जो है 2 महीने की जगह 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं। और अपने अपने प्रोसीजर है, अपने अपने उनके ऑब्जेक्शंस पे ऑब्जेक्शंस आते रहते हैं, उन सबको निवारण करते करते समय लग जाता है। कई बार क्लाइंट खुद भी अपनी सारी की सारी समस्याएं जो होती है वो हमें एक साथ नहीं बताता है। जब हम काम करते हैं तो और सारे कई सारी चीजें हमें बताते रहता है, जैसे कई बार नाम स्पेलिंग नहीं बताते हैं, कई स्पेल कि पुराने अलग अलग 10 नाम से थे, आज कितने नाम है, तो ऐसी कई समस्याएं आती है। तो उस कारण से अगर अलग अलग नाम है तो गज नोटिफिकेशन कराना पड़ता है, कई बार हमें एफिडेविट देना पड़ता है। तो इन सारी समस्याओं को एक साथ में कोशिश करें हम लोग ले और नोट कर ले कागज के ऊपर में, साफ साफ अच्छे क्लियर शब्दों के अंदर में। उसके बाद में इसकी एक फोटो आप हमें अगर भिजवा दें तो अच्छा लगेगा। और क्लाइंट से ये कहें कि सर हम अभी फोटो खींच लेते हैं, लेकिन अगर कागज बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ पेजेस 10-20-50 से ज्यादा हो, तो 10-20 से ज्यादा हो तो हमें उसका फोटोकॉपी करवा के आगे और पीछे जरूर ले लेनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट्स की, भले ही इनवेलप हो चाहे एनुअल रिपोर्ट की फोटोकॉपी की फ्रंट पेज हो, जहां पे फोलियो नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। कई बार सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के फोलियो नंबर से या इनवेलप से भी हम सर्च कर सकते हैं कि उनके पास शेयर सर्टिफिकेट अगर नहीं भी हो तो भी हमें वो हेल्प करता है कि हम इस जानकारी से उस कंपनी में फोलियो नंबर बता करके उसके इन्वेस्टमेंट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। इस तरीके से हमें कोशिश ये करें कि और भी मैं 2-4 आइडियाज आपको देना चाहूंगा कि जैसे हम लोग अलग अलग जगहों पे बराबर जाते रहें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, गैदरिंग के अंदर में, भले आप मार्केटिंग तो कहीं भी कर सकते हैं, अपने घर में, शादी में, फंक्शन में, व्यापार में, कार्ड बांटते रहिए। आपके कार्ड कभी खत्म नहीं होने चाहिए, और कार्ड के पीछे आप डिटेल के अंदर में जैसा शेयर समाधान का कार्ड बना हुआ है, फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ आप देखें, और उसी तरह का आप अपने भी अगर पर्सनल कार्ड पे शेयर समाधान नहीं भी लिखा है तो भी उन सर्विसेज को आप अपने कार्ड के पीछे अगर लिख देंगे तो अवेयरनेस क्रिएट होती चली जाएगी। आज हमने इसी तरीके को अपना करके हजारों लाखों मैसेज किए हैं, और उससे बैठे बैठे, घर बैठे बैठे लोग आते हैं और अपने व्यापार की जो समस्या है वो भी बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी चीजें ध्यान से सुनी, और कोई भी समस्या के लिए कभी भी संपर्क करें शेयर समाधान। अभय चंदालिया, थैंक यू।